प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात पर जोर रहता है कि आंकड़ों में विश्वसनीयता और गुणवत्ता होनी चाहिए। जो सरकारें सांख्यिकी को मजबूत करती हैं, उन सरकारों का प्रदर्शन बेहतर रहता है। ये बात सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री विजय गोयल ने धर्मशाला के शीला के समीप स्थित निजी होटल में केंद्रीय और राज्य स्तरीय सांख्यिकी संगठनों के दो दिवसीय सम्मेलन के शुभारम्भ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कहे। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार स्टैटिक्स में कोऑर्डिनेशन करने वालों के लिए ये सम्मेलन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय करके आगे बढ़ने के लिए प्राप्त लक्ष्य का आकलन भी जरूरी होता है। लक्ष्य के तहत संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी करना चाहिए, जिसके लिए डेटा जरूरी है और सांख्यिकी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी डेटा के लिए डेटा कलेक्शन और सुपरवाइजर जरूरी है। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित केंद्र और राज्य स्तर के संगठनों के प्रतिनिधियों से कहा कि ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि जनता को आंकड़ों के संबंध में सही और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो सके। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर भी मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विजय गोयल ने कहा कि पॉलिसी मेकर्स व प्लानर्स के लिए सही डेटा होना अनिवार्य है। सांख्यिकी इसलिए इकट्ठा की जाती है जिससे कि डेटा प्लानर्स व पॉलिसी मेकर्स को डेटा उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि जो डेटा एकत्रित होता है उसकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी क्वालिटी डेटा मिल सकता है। विजय गोयल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता पर आसीन होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 4.5 साल में जो विकास की गति दी गई है उससे पीएम की लोकप्रियता बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतेगी तथा नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये धर्मशाला में सेंट्रल और स्टेट स्टैटिस्टिकल जो एजेंसीज हैं उनकी ये 26वीं कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जो हम डाटा जो स्टैटिस्टिक्स हम इकट्ठा करते हैं वो उसकी क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी और टाइम से ये जो हमारे प्लानर्स हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये डाटा मिले और उसमें डाटा में किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट और क्वालिटी एनहांसमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर ये दिन भर की चर्चा होगी। आप जानते हैं कि किसी भी देश के अंदर कोई भी पॉलिसी बनानी हो या प्लानिंग करनी हो और या पब्लिक पॉलिसीज कोई करनी हो तो उसके लिए एक रिलायबल डाटा की जरूरत होती है। तो ये डाटा जो हमारे जो स्टेट और सेंटर की एजेंसीज हैं वो इकट्ठा करते हैं तो जाहिर तौर पर उनमें जो लोग इकट्ठा करते हैं हमारे एसएसओ और दूसरे अधिकारी उनकी ट्रेनिंग कैसे अच्छी से अच्छी हो, नई मैकेनिज्म हम कैसे उसके अंदर यूज करें और क्या नई मेथोडोलॉजी हो, इस सब के ऊपर आज ये चर्चा होगी ताकि हम क्वालिटी डाटा को ले सकें। ये जो 2019 का लोकसभा के चुनाव की आप बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरीके से पूरे देश के अंदर बढ़ी है और जिस तरह से पिछले 4 साल के अंदर विकास के काम हुए हैं तो मैं समझता हूं कि पहले से बहुत ज्यादा सीटें आएंगी और 300 से ज्यादा सीटें लेकर एक बार दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर स्टैटिक्स का आम देखिए स्टैटिस्टिक्स के बेस पे ही तो सारी पॉलिसीज बनती हैं। अब जब अगर हमको एक किसान के बारे में जानना है तो ये जानना है कि उसके पास घर की सुविधा किस तरीके से है, उसके पास बिजली कैसे आ रही है, उसके पास पानी कैसे आ रहा है, या उसका परिवार कितना बड़ा है, या उसमें कितने रोजगार हैं, या उसके पास कृषि के क्या क्या साधन हैं। तो किसी भी नीति को बनाने के लिए एक जो स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता होती है वो हमारा डिपार्टमेंट पूरा करता है। सरकारी आंकड़े